नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। जिस रूब्रिक पर चर्चा करेंगे इसमें बहुत ही कम दवाइयां हैं। तो ये रूब्रिक है माइंड नॉइज इंक्लाइंड टू मेक ए। अब इसको सजा करके यदि पढ़ा जाए तो इसका है इंक्लाइंड टू मेक ए नॉइज, माने वो उसको आवाज करने का, शोरगुल करने का, कोलाहल करने का इरादा करता है, ज्यादा रखता है। ये हो गया मतलब। तो चलिए अब इसमें जो एक एक जो वर्ड है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो इसका पहला वर्ड है नॉइज। नॉइज को समझें। नॉइज का देखिए डिक्शनरी मीनिंग है ए साउंड स्पेशली वन दैट इज लाउड और अनप्लीजेंट, माने ऐसा आवाज, विशेष करके ऐसा आवाज जो उच्च स्वर में बोला गया हो और अप्रिय हो, सुनने वाले को अप्रिय लगता हो, इस तरह के आवाज को हम लोग नॉइज कह सकते हैं, जो उच्च स्वर में बोला जाए और सुनने वाले को अप्रिय लगे, इस तरह की आवाज। दूसरा इसका डिक्शनरी मीनिंग है नॉइज रेफर्स टू द अनवांटेड पार्ट्स ऑफ ए सिचुएशन स्पेशली वन दैट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू डू और अंडरस्टैंड समथिंग, माने नॉइज परिस्थिति का, कोई परिस्थिति का ऐसा भाग है जो विशेषतः माने किसी चीज को जिसको समझने का प्रयास करते हैं या करने का प्रयास करते हैं उसको और डिफिकल्ट बना देता है। जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं और कोई चिल्ला रहा है, कुछ काम कर रहे हैं ध्यान लगा करके, चिल्ला रहा है, हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, तो दिमाग इधर उधर हट जाता है तो वो करने में और डिफिकल्ट हो जाता है, समझने में डिफिकल्ट हो जाता है। ये है र्यूमर अफवाह को या गोसिप, स्पेशली सिलेंडर बोलिए, मतलब दूसरे के निंदा करने जो है इसको भी र्यूमर कहा जाता है। अच्छा, आज दूसरा जो वर्ड है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब क्या, इरादा रख है, मेक करना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। तो अब मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज जो है एक जो फ्रेज, इसका हिंदी मतलब होता है शिकायत करना, हो हल्ला करना, धूम मचाना, ये मतलब होता है मेक ए नॉइज। इसका देखिए मीनिंग है टू टॉक ए ग्रेट डील और कंप्लेन, टू टॉक ए ग्रेट डील और कंप्लेन, शिकायत करना या ज्यादा मात्रा में माने वो बात करना, स्पीक और एक्ट इन ए वे डिजाइन टू अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ अटेंशन और पब्लिसिटी, इस तरह से बात करना या कुछ करना ताकि दूसरे को, दूसरे का ध्यान जो है से आकृष्ट हो, टू टॉक अबाउट और कंप्लेन अबाउट समथिंग अलाउट, किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना या बात करना, ये सब नॉइज है। तो देखिए हम कह सकते हैं नॉइज एक प्रकार का आवाज है जो जोरदार होता है, माने ऊंचे स्वर में बोला जाता है और अन और डिसएग्रेबल होता है, यानी कि सुनने वाला जो होता है उसको प्रिय नहीं लगता है, अप्रिय कर रहता है, सुनने वाले को लिए अप्रिय होता है, माने ऐसा आवाज जो सुनने वाले को अच्छा न लगे, उस आवाज को हम लोग ये कह सकते हैं नॉइज कह सकते हैं। नॉइज
के मतलब है ए प्रोटेस्ट और एक्यूजेशन, इसको भी हम लोग नॉइज कहते हैं। ए प्रोटेस्ट को और कुछ दोष लगाने को इसको भी हम लोग नॉइज कह सकते हैं, सुनने वाला। तो ए हो गया नॉइज, तो नॉइज का ए हो गया। अब देखिए इसका माने व्याख्या का, इसका रूब्रिक जो है पूरा संपूर्ण में एज ए होल में इसका क्या मतलब हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस रूब्रिक में जो है वो क्या करता है, रोगी करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, कंप्लेन करने का तरीका है। नॉइज जो है से एक कंप्लेन करने का या प्रोटेस्ट करने का तरीका है। जब व्यक्ति को मांग पूरा नहीं होता, जो कुछ करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वो जब नहीं मिलता है तो वो संबंधित व्यक्ति से कंप्लेन कर सकता है, शिकायत करता है, मतलब नॉइज करता है। वो ये परिवार के प्रति भी कर सकता है, डॉक्टर से कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का मांग जब किसी का पूरा नहीं होता है तो लोग आंदोलन करते हैं, सरकार यदि उनकी मांग को नहीं मानती है तो, जैसे किसान आंदोलन हुआ या और हम लोगों का जितना आंदोलन हुआ, ये भी एक तरह से नॉइज है, किसी एक प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये सब हुआ न्याय, मैंने नॉइज में होता क्या है कि वो दूसरे को ध्यान को, संबंधित व्यक्ति के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए नॉइज करता है, ध्यान को खींचने के लिए। तो ये हुआ, जैसे जब मान लीजिए कि ओपीएम वाला है, डॉक्टर के पास आया है, तो डॉक्टर उसको बोल दिया है कि भाई तुमको एक महीना, दो महीने या तीन महीना समय दिया है कि इसने तो आपके बीमारी ठीक हो जाएगा। अब तो इतना दिन तो चुपचाप है, चलो भाई हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब जय उसको पार होने को आया, तीन महीना बीत गया या बीतने वाला है, तो वो आन के बोलेगा अब तो बोले थे तीन महीना में ठीक हो जाएगा, कहाँ ठीक हुआ, अभी तो जैसा था वैसा ही है। तो इस तरह से इसको हम लोग नॉइज इनक्लाइन टू मेक ए के रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है तो और भी कहा है, इसको मैंने डायरेक्ट भी अप्लाई किया जा सकता है। कोई जैसे कि बीमारी के हालत में शोरगुल मचा रहा है, हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, नॉइज कर रहा है, तो उसको भी हम लोग इस ढंग से ले सकते हैं। नॉइज इनक्लाइन टू मेक, उसको यदि प्रवृत्ति हो गई है बीमारी के दौरान ऐसा करने के, तो हम लोग डायरेक्ट भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो ये हुआ माने नॉइज इनक्लाइन टू मेक। तो जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब न किए हैं वो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो और अच्छा लगता है। तो आज के लिए अब इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।